हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट रविंद्र माथुर। आज मैं आपको जो सर्दियों में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बारे में मैं आपको जो यूज़फुल नॉलेज है वो भी बताऊंगा। भाई कैसे, जैसे फोग का सीजन आया हुआ है और बिल्कुल जो सामने का व्यू होता है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता फोग की वजह से, और वो फोग है ना बिल्कुल जो फ्रंट वाला शीशा होता है उस पर भी लग जाती है। तो उसको कैसे क्लीन किया जाए वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन जैसे शीशे के ऊपर फोग आ जाता है तो उसको कैसे क्लीन किया जाए दोस्तों, उसके तीन चार उपाय होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे आप इसको एग्जॉस्ट इस पे लेके जाइए, इस वाले निशान पे, लास्ट वाले पे, तो यहां से आपके लिए हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। और इसको एसी का एक ब्लोअर या दो ब्लोअर पे आप करके वो कर सकते हो। जैसे अभी हवा अंदर की है, इसमें एसी की हवा अंदर की है, इसको आप बाहर की कर दीजिए जिससे अंदर ज़्यादा ठंड ना बनेगी, और जो जो सांसें लेते हैं उसकी वजह से जो शीशे के ऊपर वो होगी वो भी कम होती जाएगी। और जैसे 1 या 2 पे ही रखें, ज़्यादा कूलिंग ना करें, और ये बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल साफ़ होता आ जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। दूसरा तो ये है दोस्तों, जैसे आप एसी को ठंडे पे करके कर सकते हैं, या फिर आप एसी को गर्म पे करके भी कर सकते हैं। अब आपका एसी गर्म पे चल जाएगा, सर्दियों में गर्म पे भी कर सकते हो, ठंडे पे भी, दोनों तरीके से एसी उस गर्म एसी भी और ठंडा एसी भी उस फोग को बिल्कुल क्लीन कर देगा। और तीसरा दोस्तों ये है, जैसे आप एसी नहीं चलाना चाहते, आप एसी बंद करके भी एग्जॉस्ट को बाहर की तरफ रखें और खाली फैन चलाएं। और अगर आप इसको हीट पे लेके जाओगे तो बिना एसी के भी ये हीट पे शीशे को बिल्कुल क्लीन कर देगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे आजकल सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, और जैसा कि आपको मालूम है कि भाई जो फोग होती है वो फ्रंट वाले मिरर पे और साइड वाले मिरर पे आके लग जाती है, उसकी वजह से जो हमें रोड का व्यू होता है वो भी कम दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों एक और ऑप्शन होता है इसमें, जैसे कि आप जो शेविंग क्रीम होती है उसको यूज करते हैं, उससे आप अपने शीशे को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा लगा के शीशे पे और अखबार से उसको पूरे उस पर गीला करके और पूरे शीशे को उससे साफ करें, उसके बाद ज़रा सी भी फोग आपके शीशे के ऊपर मिरर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये सबसे अच्छा वाला ऑप्शन आप वो यूज़ करके देखना, उससे बिल्कुल क्लीन रहेगा आपका शीशा। दोस्तों जैसे आपने अपनी गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर रखा है, जैसा यूँ होता है पे चढ़ रही है तो गाड़ी 70 पे रहती है, और वापस उतर जैसे ढलान आती है उसकी, तो उसके बाद उतरते वक्त आप सोचते होंगे कि भाई उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, स्पीड उतनी रहती है 70 की 70 पे ही। और दोस्तों वो अपने आप ऑटो ब्रेक ले लेती है और वो 70 से क्रूज बिल्कुल भी नहीं हटता। बेशक जो ढलान पे स्पीड बढ़ने के आसार हो, लेकिन स्पीड बढ़ेगी नहीं। दोस्तों ये भी क्रूज का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।